बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आहार गांव के पास शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे एक महिला का शव बंधे पर पड़ा मिला है। जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शिनाख्त के लिए बुलाया। वहीं ग्रामीणों ने बिसंडा थाना क्षेत्र के कैरी गांव निवासी सुमन देवी पत्नी रामबाबू पटेल उम्र करीब 35 वर्ष के नाम से पहचान की। मृतक महिला के पिता राजा भैया पटेल ने बताया कि मृतक सुमन देवी का मायका आहार गांव में अक्सर पति रामबाबू अपनी पत्नी सुमन देवी को मारता पीटता था। इसी से 3 वर्ष से मृतक सुमन देवी अपने मायके आहार गांव में रहती थी, जिसमें पति ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया था। इसी मामले में गुरुवार को कोर्ट में तारीख थी तो मृतक सुमन देवी तारीख पर गई हुई थी, उसके बाद घर नहीं लौटी। तब मृतक के पिता राजा भैया ने बबेरू कोतवाली में सूचना दिया। तभी से सभी जगह खोजते रहे और आज 5 बजे सुमन देवी का शव आहार गांव के पास बने एक बंधे पर पड़ा मिला है। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के द्वारा इस घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया है। वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वायर की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी रही। क्या नाम है आपका? राम बहोरी। राम बहोरी, कहाँ रहते हैं आप? हारी। क्या घटना हुई है? ये घटना हमारी बच्ची की हुई है। बताओ क्या हुआ, मामला पूरा बताओ। ये घटना जो होती है यहाँ बांदा में जो होती है उसकी लाश मिली। अच्छा, आपको कैसे जानकारी मिली? जानकारी हमको मिली शाम के टाइम मिली, आज शाम को। हाँ, 5 बजे की। 5 बजे जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी यहाँ बदी दी आए, देखा तो यहाँ प्रो बताया, मतलब गाँव में खबर दिया। क्या किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी से दुश्मनी थी आपकी? लड़ाई झगड़ा दुश्मनी किसी से नहीं थी। हाँ, उन्हीं की जो है ससुराल की जो है लड़ाई थी। हाँ, लड़की यहाँ जो है बाजार में बनी थी। हाँ, उसी ने मुकदमा दायर किया था। हाँ, कल जो है कोर्ट में तारीख थी, कोर्ट तारीख करने गई है। 2 बजे करीब जो है तो मतलब अपनी बहन के यहाँ गई है। अपने बहन के यहाँ से आई ही बस स्टॉप, बस स्टॉप से आई है। उसके बाद जो है मुझे जानकारी नहीं कि। अच्छा, ये बताओ आप, आपकी भतीजी थी कहाँ रहती थी? आहार में ही रहती थी भाई। आहार कौन सा गांव है? आहार मायका है उसका? हाँ, मायका है। अच्छा, ससुराल कहाँ है? कैरी। कैरी गांव में। अच्छा, ये बताएं कि फिर आपने सूचना दिया था जब कल रात में शाम तक नहीं आई, पुलिस को सूचना दिया था? हाँ, भाई साहब गए हैं थाने में। थाने में। अच्छा, फिर? फिर वो गए हैं वहाँ से, साथ ले गए हैं वहाँ से, जो है पकड़ के लाए हैं लड़के को। और फिर इसके बाद जो है वो ये बांदा गए हैं। आज बांदा से आए हैं, जिसमें फ़ोन द्वारा जानकारी हुई थी उनका कहती है कि यहाँ आ गए हैं। अच्छा, आपने देखा क्या लगता है? वो मारी दिखाई, समझ में आया कि मतलब उसके कई फूल दाग समझ में आते थे। क्या लगता है कि यहाँ मारी गई है? हाँ, मार के फेंक दिया गया। चोट के निशान पता है ना कि जो होते मतलब उसके दाग जो होते मतलब चोट के निशान थे। हाँ, वहाँ में जो होते मतलब चोट के निशान थे। अच्छा, पुलिस आई थी यहाँ? हाँ, पुलिस आई। अच्छा, कहाँ भेजा डेड बॉडी के लाश को? कहाँ भेजा? बांदा के लिए, पोस्टमार्टम के लिए।